بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال عز وجل في موضع آخر إن قومي هذا اتخذوا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم محترم بھائیو بزرگو खुतबे के अंदर एक आयत तिलावत की गई जिस आयत पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बकरा की पहली आयत है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान मजीद एक ऐसी मुकद्दस तरीन किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान पाक मुत्तकियों के लिए, हिदायत पाने वालों के लिए रहबरी का ज़रिया है। इसी को अल्लामा इकबाल ने इन शेरों के अंदर इरशाद फरमाया, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीख़े कुरान होकर। अल्लामा इकबाल इन अशार में फरमाना चाह रहे हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी के अंदर क़ुरान और साहिब क़ुरान की अज़मत थी, क़ुरान के अहकाम और साहिब क़ुरान के बताए हुए तरीक़े उनकी ज़िंदगियों के अंदर थे। बावजूद ये कि वो कसम पुरसी के आलम में थे, अजबाब की किल्लतें थी, इसके बावजूद अल्लाह ने उनको इज़्ज़त के आला मकाम के ऊपर पहुँचाया। इसीलिए उलमाए किराम कहते हैं कि उम्मत को दो नेमतें, दो खूबियाँ अल्लाह पाक ने ऐसी दी हैं, पिछली किसी कौम को, किसी उम्मत को ये खूबियाँ नहीं दी गई थी। पहली चीज़ कुरान, कि अल्लाह ने इस उम्मत को कुरान दिया जो कि कलामुल्लाह है, मखलूक का फरमान नहीं है, कलामुल्लाह है, अल्लाह का फरमान। दूसरी चीज़ साहिब कुरान, कि अल्लाह ने इस उम्मत को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए, वो नबी जो क़्यामत के दिन भी इस उम्मत की फ़िक्र करते हुए सजदे के अंदर पड़े हुए होंगे, जब लोगों की ज़बानों पे या रब्बी नफ़्सी होगा, उस नबी रहमत की ज़बान पे या रब्बी उम्मती होगा। तो अल्लाह ने इस उम्मत को दो नेमतें दी, एक तो कुरान की नेमत दी, दूसरा साहिब कुरान यानि रसूल अकरम की नेमत दी है। तो आज के इस मुबारक जुमा में कुछ कुरान और कुरान की फजीलत और हमारा उस कुरान से क्या रवैया है और क्या रवैया होना चाहिए था, इस ताल्लुक से चंद गुजारिशात अर्ज करने की कोशिश करूंगा। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मुझे, आपको, सारी उम्मत मुस्लिमा को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक एक ऐसी मुकद्दस तरीन किताब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस ताल्लुक से फरमाया कि ला रैब फीह, कि कुरान में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, हर नबी को अल्लाह ने कोई मोजिजा दिया। वो मोजिज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, आसा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने, उस दौर में जादूगरी का बहुत ज़्यादा था, इलाज का बहुत ज़्यादा था, तो अल्लाह ने उनको ऐसा मोजिज़ा दिया कि आँखों के ऊपर, अंधों के ऊपर हाथ को फेरते तो बिनाई लौट आती, कोड़ी के मरीजों के ऊपर हाथ को फेरते तो वो मर्ज निकल जाता,
الغرض نبی آخر الزمان محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب کو اپنی زبان کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا, وہ اپنے زبان کے عمدہ ہونے پر بہت زیادہ ناز اور فخر کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو معجزہ دیا قرآن پاک کے طور پہ, اور قرآن میں اللہ نے چیلنج کیا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, کہ قرآن پاک جیسا مکمل کتاب تو دور کی بات ہے, قرآن پاک جیسا ایک سورہ تو دور کی بات ہے, قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی تم قیامت تک نہیں بنا سکتے. سارے کے سارے عرب کے فصحا کو اللہ نے چیلنج کیا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, اور قیامت تک تم کیا ساری کی ساری دنیا ساری کی ساری مخلوق مل کے قرآن پاک جیسی نظیر نہیں پیش کر سکتے. اللہ کا کلام ہونا تو یہ چاہیے کہ انتہائی مشکل کہ دنیا کا کوئی کلام ہوتا تو دنیا کے کلام کو سمجھنے میں سیکھنے میں انسان کو بہت زیادہ دقتیں دشواریاں آتی ہیں, اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام انتہائی مشکل ہوتا, لیکن اللہ نے اس کو مشکل نہیں بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنا کے پیش کیا, فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, ہے کوئی قرآن سے نصیحت کا حاصل کرنے والا. اب قرآن اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ الف لام میم پڑھ لے تو اس کے لیے ایک ایک حرف کے بدلے میں دس دس نیکیاں لکھی جائیں گی. الف کے بدلے میں دس نیکیاں, لام کے بدلے میں دس نیکیاں, میم کے بدلے میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی. پھر دل کا زنگ ہے, دل کا زنگ اور گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے دل کے اوپر جو میل کچیل جم رہا ہے, اللہ سے دوریاں آ رہی ہیں, اللہ اس قرآن پاک کی تلاوت کے بدلے میں اس دل کے زنگ کو دل کے میل کو دور کریں گے. قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے, یہ تطافی, اللہ کے پیارے نبی دوسری حدیث پاک میں فرما رہے ہیں اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے, اٹک اٹک کے پڑھنے کے اوپر اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں اس کو دوہرا اجر ملے گا. قرآن پاک پڑھنے نہیں آ رہا ہے, اللہ کے کلام کو اٹھائے, محبت سے دیکھے, محبت سے اللہ کے کلام پاک کے اوپر انگلیوں کو پھیر لے, اللہ پاک اس کے اوپر بھی اجر و ثواب دیں گے. لیکن اس اللہ کے پاک کلام سے رشتہ کیا ہونا ہے, اس اللہ کے کلام کی کیا فضیلتیں ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حشر کا دن میدان حشر میں لوگ نسا نسی کے عالم میں ہوں گے, قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها, حافظ قرآن سے صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اٹھو قرآن پاک پڑھو اور اس منزل تک پہنچ جاؤ جہاں تک تمہاری آخری آیت ہے. جتنی سورتیں ہم کو یاد ہے قیامت کے دن کہا جائے گا ایمان والے سے کہ قرآن پڑھو تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں پہ تم جا کے آخری جگہ پہ رک جاؤ گے. اب جس حفظ قرآن کو جن مدارس اسلامیہ کے ذریعے آج حفاظ کرام پیدا ہوتے ہیں, حفاظ کرام کی کتنی بڑی فضیلت ہے. آج کوئی بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے اور کسی بڑے ملک کے اندر بڑے پوسٹ کے اوپر آ جائے, والدین کا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے, لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے, انجینئر بن گیا ہے, انگلینڈ میں امریکہ میں بڑے پوسٹ کے اوپر ہے, لوگوں کے سامنے فخر کے طور پہ بیان کرتے ہیں. لیکن حافظ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا لوگ میدان میں جمع ہوں گے, ایک لوگوں چند لوگوں کے سروں کے اوپر ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کو دیکھ کے اور ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کے لوگ رش کریں گے اور سوال کریں گے کہ ان کو کس بنیاد کے اوپر یہ مقام ملا, ان کو کس بنیاد کے اوپر یہ مقام ملا. تو لوگ کہیں گے کہ ان کا لڑکا حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے اس کے اوپر محنت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو یہ مقام دے رہے ہیں. اب سوچئے حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا, حافظ قرآن کے والد کو قیامت کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا.
आज हम दुनिया दुनिया और दुनिया के पीछे और दुनिया के पीछे मेहनतें करते करते आज दुनिया की इतनी इज्जत हमारे दिल के अंदर आ गई कि हम अपने बच्चे को अल्लाह के कलाम से जो वाबस्तगी होनी चाहिए और अल्लाह के कलाम को जो सीखने के लिए सिखाने के लिए जुस्तजू होनी चाहिए वो हमारे मुआशरे के अंदर से धीरे 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 निकलती जा रही है। अल्लाह हम तमाम को माफ़ फरमाए। इंतहाई जिम्मेदारी के साथ भी ये बात कह रहा हूँ कि जितनी अहमियत हम दुनियावी तालीम को दे रहे हैं, जितना हम बच्चे को अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी सिखाने के ऊपर खुशी महसूस करते हैं, वो खुशी हम तमाम को अल्लाह का कलाम सिखा के नहीं मिल रही। वजह क्या है? देखे अच्छे अच्छे लोग बड़े बड़े स्कूलों में, कॉन्वेंटों में और बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर अपने बच्चों को डाल रहे हैं। डोनेशन के नाम पे दो दो पांच पांच लाख रुपए देना आसान है, जरूर दे, जरूर अच्छे से अच्छी दुनियावी तालीम दे, जरूर उसको एक काबिल लड़का और काबिल इंसान बनाए, लेकिन उस अल्लाह के कलाम को सिखाने के लिए हमारी कितनी मेहनतें हैं। सुबह से शाम तक बच्चा स्कूल के हवाले, स्कूल के आने के बाद में स्पेशल क्लास के हवाले, स्पेशल क्लास के बाद में बच्चा थक हार के घर के अंदर पड़ा हुआ है। वालिदैन खुश है कि बच्चा भी चार साल का है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट अंग्रेजी बहुत रवानी से बोल रहा है। अंग्रेजी बोलना सीखते ही वालिदैन खुशी महसूस कर रहे हैं। अब अंग्रेजी में थोड़ा बच्चा कमजोर हो जाए, स्पोकन इंग्लिश के नाम पे हजार रुपए दो हजार रुपए महीने को स्पोकन इंग्लिश के नाम पे देना आसान है कि भाई बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, बच्चा अंग्रेजी सही नहीं बोल पा रहा है तो बच्चे के लिए हजार दो हजार रुपए स्पोकन इंग्लिश को देंगे और दूर दराज भी हो तो वालिदैन ले जाकर छोड़ते हैं, लाते हैं, इसके पीछे अंतक मेहनतें करते हैं। लेकिन जो अल्लाह का कलाम जो हमें क़यामत के दिन, फिर ना क़यामत के दिन कब्र के अंदर भी हमारा साथ देने वाला है, वो अल्लाह के कलाम को हम किस तरह से सिखा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल होता है कब्र के हवाले कर दिया जाता है, कब्र के हवाले करने के बाद में कुरान उसके सरहाने आके बैठ जाता है, जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान से उसका ताल्लुक होता है तो कुरान उसके सरहाने आके बैठ जाता है और उसके लिए सिफारिश करता है। और क़यामत के दिन भी लोग साहिब कुरान के लिए कुरान पाक सिफारिश करेगा, अल्लाह से झगड़ा करेगा कि अल्लाह दुनिया में इसका मेरा ताल्लुक मजबूत था, रोजाना ये मेरी तिलावत करता था, ये मैं से बेइत्तनाई नहीं बरतता था। तो कब्र के अंदर सरहाने में कुरान पाक इंसान की सिफारिशी बन के इंसान की हिफाजत के लिए कुरान पाक रहेगा। दाहिनी तरफ में नमाज होगी, दाहिनी तरफ में रोजा होगा और सरहाने पे अल्लाह के कलाम से ताल्लुक होगा, रिश्ता होगा तो सरहाने के ऊपर वो कुरान हमारा सिफारिशी बन के खड़ा हो जाएगा। इसको एक मिसाल से लोगों ने बताया कि एक दुनियावी एतबार से सरमायादार आदमी थे, इंतकाल का वक्त करीब आया, अपने बेटों को बुलाया, बेटों को बुला के कहा कि देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद में मेरी तीन ख्वाहिशें हैं, इंतकाल के बाद में मेरी तीन ख्वाहिशें हैं, दुनिया के अंदर मैं इंतहाई साफ सुथरे कपड़े पहना करता, तो कब्र के अंदर एक कफन के साथ में दो चार जायद और कफन का इंतजाम कर देना। दूसरी ख्वाहिश यह है कि दुनिया के अंदर मैं कुशादा कमरों के अंदर रहा करता तो मेरी कब्र को थोड़ा कुशादा बनाना, दो गज जमीन के बदले में बड़ा सा रूम बना देना। और तीसरी ख्वाहिश यह है कि दुनिया के अंदर थोड़ा अंधेरा हो जाता तो मेरे दिल के अंदर एक खौफ का आलम तारी हो जाता। तो तीसरी ख्वाहिश यह है कि मेरे इंतकाल के बाद में मेरी कब्र के अंदर थोड़ा रोशनी का इंतजाम कर देना। इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद में बेटे बाप से सवाल करने लगे, अब्बा से पूछने, लोगों से उलमाए दीन से मसाइल पूछने लगे कि मेरे वालिद की ख्वाहिश ये थी, वसीयत ये थी कि मेरे कब्र के अंदर ये तीन चीजों का इंतजाम कर दिया जाए, क्या इस बात की गुंजाइश है? तो किसी आलिम दीन ने इजाजत नहीं दी, किसी आलिम दीन ने इस बात की इजाजत नहीं दी। तो बिल आखिर वालिद को दो गज जमीन के अंदर अंधेरी कब्र के अंदर बगैर रोशनी के दफन कर दिया गया। वापस घर को आए, सारे बेटे गम के आलम में बैठे हुए थे, बाप की वसीयत को खोला तो बाप की वसीयत के अंदर लिखा हुआ था, बाप एक दीनदार आदमी था,
باپ نے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے پیارے بچوں یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے, یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے, تم کتنا ہی کروڑا کروڑ کے بیک بیلنس جمع کر لو, دنیا کے مالدار سے مالدار آدمی بن جاؤ, اس دو گز زمین کے ٹکڑے میں اندھیری قبر میں تنہا آنا پڑے گا, دو گز زمین کے ٹکڑے کے اندر رہنا پڑے گا. یہاں پہ کام آنے والی چیز انسان کے خود کے اعمال ہے. وہاں پہ انجینئر بیٹا ڈاکٹر بیٹا کام نہیں آئیں گے. کسی بیٹے کو ہم قرآن پاک کا اللہ کا سرنام یاد کرا دیے, بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, بچہ اللہ کے کلام کو کھول کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے, بچہ قرآن پاک کو پڑھے, نماز پڑھے, نماز میں اللہ کے پاک کلام کو پڑھے, تو وہ ثواب باپ کی قبر کے اندر پہنچے گا, وہ ثواب قبر کے اندر پہنچے گا. لیکن اس معیار کو اور اس چیز کو سکھانے کے لیے انتہائی ذمہ داری سے ہم سوچیں کہ اس اللہ کے کلام کو, اس اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہمارے پاس کیا بچا ہے. زندگی نکل رہی ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے کلام کو رومن انگلش میں پڑھا جا سکتا ہے, کیا اللہ کے کلام کو انگریزی میں لکھ کے پڑھا جا سکتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, ہم تو فطرتاً اردو زبان ہماری زبان ہے, لیکن جب انگریزی زبان سے ہمارا وابستگی ہو جائے تو ہم 15 سال 20 سال انگریزی زبان سیکھنے کے لیے لگا رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کا کلام اگر ہم سیکھنا چاہیں, قرآن پاک ہم سیکھنا چاہیں, انشاءاللہ 3 مہینے میں ہم کلام اللہ تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ اللہ کا کلام زندگی کی بہاریں گزر رہی ہیں. اللہ قرآن پاک کے تعلق سے کہہ رہے ہیں ہدل للمتقین, کہ یہ اللہ کا کلام تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کا ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, تو محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن کی 3 ذمہ داریاں میرے اور آپ کے اوپر ہیں. قرآن کی 3 ذمہ داریاں میرے اور آپ کے اوپر ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں, یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور آج ہم اس اللہ کے کلام کو جو ہدایت کا سرچشمہ تھا, وہ اللہ کے ہدایت کی کتاب کو ہم نے جہیز میں دینے کی کتاب بنا لیا. جہیز کی فہرست تیار ہو جائے. بابا پہلا نام کلام اللہ کہ بچی کو پہلی چیز ہم جہیز کے سامان میں اس اللہ کے کلام کو دیں گے, اور اس اللہ کے کلام کو ہم بچی کے جہیز کے اندر پہلے نمبر پہ رکھیں گے. ضرور رکھیں, لیکن ذرا سنجیدگی سے سوچیں کہ ہم نے اپنی بچی کو اللہ کا کلام پڑھنا سکھایا. وہ جہیز میں لے جا کر اس اللہ کے کلام کو پڑھ بھی سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی, ہم کو تنہائی میں سوچیں. کتنا ہم بچیوں کو بچوں کو دنیا کے پیچھے اتنا لگا دیے ہیں. اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے. کئی نوجوان لڑکے کئی نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جن کو اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آتا. جہیز میں ضرور اللہ کے کلام کو دے, لیکن اس اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی سکھائے. کون سکھائیں گے جب اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آ رہا ہے, تو دوسری ذمہ داری بنتی ہے. افلا یتدبرون القرآن, کہ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا قرآن کو اٹھاؤ, قرآن کیا چیز ہے. صحابہ کی زندگی کے اندر یہ قرآن پاک آیا, صحابہ کی زندگی کے اندر انقلاب آیا. علامہ اقبال نے یہی تو کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ذلت و خاری رسوائی ہر طرف سے ہم پس رہے ہیں. وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو پسے پش ڈال دیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا, قیامت تک ہم کیسے مضبوطی کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں ٹھہرے رہیں گے, گمراہی ہمارا مقدر کیسے نہیں بنے گی. لن تضلوا ما تمسکتم بھی کتاب اللہ و سنت رسولی, کہ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے, قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. پہلی چیز اللہ کا کلام, اللہ کا کلام پہلی چیز ہے. دوسرا فرمایا سنت رسول, کہ دوسرا اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے. آج ہم کو اللہ کا کلام کھولنے کی توفیق نہیں مل رہی. پڑھنا سمجھنا اس کے اندر اللہ مجھ سے آپ سے کیا کہہ رہا ہے, وہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں. وہ اللہ کا کلام ہم کو کھول کے پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے, کتنے افسوس کی بات ہوگی. اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ دو تین محدثین فرماتے ہیں کہ 3 قرآن کے حق ہے. پہلا قرآن پاک پڑھنا سیکھے, دوسرا قرآن پاک کے اندر تدبر کرے, تیسرا قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. تو ہم پہلے نمبر کے اندر ہی زندگی گزر گئی اس اللہ کے کلام میں. اللہ مجھ سے آپ سے کیا کہہ رہا ہے,
क्या मुतालबा मुझसे आपसे अल्लाह कर रहे हैं वो हमको पता ही नहीं है। जिस अल्लाह के पाक कलाम की तालीम को हम लहू समझ रहे हैं, फजूल समझ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन ताअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे अच्छा आदमी वो है जो अल्लाह के कलाम की तालीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम्हें सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान पाक की तालीम को सीखे, दूसरों को सिखाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने मालदार की तारीफ नहीं की, दुनियादार की तारीफ नहीं की, तारीफ की तो तालिबान इल्म व नबूवत की तारीफ की। इसलिए हम इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, जहां पे हम वालिदैन होने का हक समझते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा दुनियावी तालीम दिलाए, वही ये वालिदैन की जिम्मेदारी है और हक है कि वालिदैन अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलाए। मकातिब को हवाले करें, मकातिब के हवाले नहीं करते तो हम अपने बच्चों को घर में इंतजाम करें। 8 घंटे दुनिया के लिए लगा रहे हैं, 2 घंटे 1 घंटा रोजाना हम अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए अपने बच्चों का वक्त करें। और जो बड़े हजरात हैं, 30 साल की उम्र हो गई, 50 साल हो गए, तो दीन सीखने में शर्म महसूस नहीं की जा सकती। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु 150 साल की उम्र में उन्होंने ईमान कबूल किया, 150 साल की उम्र में ईमान कबूल किया। उसके बाद में उन्होंने अल्लाह के कलाम को सीखा, सिखाया, फिर लोगों को उस तक पहुंचाया। जी ये अल्लाह का कलाम बहुत बाबरकत कलाम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने लोग थे वो मुरीद थे, लेकिन हजरत उमर फारूक अल्लाह के नबी की मुराद थे। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ की कि अल्लाह इस्लाम को उमर फारूक के जरिए इज्जत बख्श दीजिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने तलवार सोते, तलवार लेके निकले कि नऊज़ु बिल्लाह, आज तो इस्लाम के बानी का मैं काम खत्म कर दूंगा। तलवार सोच के निकले, लोगों ने उमर फारूक के तेवर को देखा, समझ गए कि मामला गर्म है। तो किसी ने जाके कहा कि पहले अपने घर की खबर लो, पहले अपने घर की खबर लो। घर के अंदर गए, बहन और बहन भी वो अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने घर के दरवाजे को जोर से दस्तक दी। बहन मामला समझ गए कि जरूर भाई तक ये खबर पहुंची होगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने दरवाजा खोला, बहन ने दरवाजा खोला, उमर फारूक अंदर गए और बहन को बेतहाशा मारना शुरू किया। यहां तक बहन के मुंह से खून निकल रहा था। बहन ने कहा कि उमर बिन खत्ताब, मैं भी फातिमा बिन खत्ताब हूं, जिस अल्लाह के कलाम पे मेरा ईमान है, जरा उस अल्लाह के कलाम को सुन तो लो, उस अल्लाह के कलाम को समझ तो लो। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहा कि जरा पढ़ के मुझको सुनाओ। बहन ने सिर्फ चंद आयतें पढ़ी, फरमाया तौहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का। सिर्फ 2 से 3 आयतें पढ़नी शुरू की, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की चीखें निकल गई कि ये कोई दुनिया का मामूली कलाम नहीं हो सकता, यकीनन उस अल्लाह का कलाम होगा। और वो अल्लाह के कलाम को सुनते गए, रोते गए, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। उन्होंने कहा कि फौरन मुझे अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेकर जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी के पास ले जाया गया, आपके कदमों में पड़ गए और कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी, आप हक के ऊपर होने के बावजूद आप छुप के इबादत कर रहे हैं। उमर फारूक ने अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिया और मक्के की गलियों में ये ऐलान करना शुरू किया कि देखो आज उमर बिन खत्ताब ईमान ला लिया है, आज अल्लाह के प्यारे नबी के साथ ठहरा हुआ। वो क्या बात थी, कुरान क्या चीज है? वो अल्लाह का कलाम है, कोई दुनिया के मामूली लोगों का कलाम नहीं है। आज हमने उस अल्लाह के कलाम को जुजदान में लपेट कर रखने की किताब समझ लिया, जिंदगी के अंदर साल को साल रमजान में पढ़ने की किताब समझ लिया। रमजान का महीना गुजर जाए, साल भर उस अल्लाह के कलाम से अल्लाह माफ फरमाए, क्या इस्तेगनाइयत, उस अल्लाह के कलाम से हमारा कोई ताल्लुक और सरोकार नहीं है। पिछले जमाने में जब तक मोबाइल का दौर नहीं था, घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन की तिलावतें होती, घरों के अंदर से अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत की आवाज़ें आया करती थी। धीरे धीरे उस अल्लाह के कलाम से हमारे मुआशरे में बड़ी ही बेइत्तेनाई, बड़ी ही बेतवज्जुही बरती जा रही है। आज लोग कारोबार में बेबरकती की शिकायतें करते हैं, घरों के अंदर बेबरकती और नुसरत की बातें करते हैं,
तो मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, जरा हम फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुने। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत हो उस घर के अंदर बेकार और शैतानी साइब और असरात वगैरह से वो घर पाक होगा, और जिस घर के अंदर और जो आदमी सुबह सवेरे आयतल कुर्सी का अहतमाम कर ले शाम तक अल्लाह पाक उसके ऊपर एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं, वो फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है। सुबह सवेरे यासीन पढ़ ले, सूरह बकरा पढ़ ले, सुबह सवेरे ज्यादा नहीं हो रहा, यासीन के साथ में आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले, इंशाल्लाह हम शाम तक अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में हैं। मगरिब की नमाज पढ़ ली, सूरह फातिहा आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ ले, अपने ऊपर दम कर ले, इंशाल्लाह हम हर तरह की मुसीबतों से और बेकार के सायों से महफूज रहेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलातु व सलाम पे जादू हुआ, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलातु व सलाम के जादू के तोड़ के लिए अल्लाह पाक ने मुअव्वज़तैन को नाजिल फरमाया, सूरह बकरा को, सूरह नास को, और उस अल्लाह के कलाम को हम रोजाना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। वक्त के अंदर बरकत होगी, दिलों का जंग दूर होगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी, घर के अंदर खैर बरकतें नाजिल होगी, सब की सब चीजें होंगी जब हमारा ताल्लुक कुरान से मजबूत हो। कुरान जुजदानों में लपेट के रखने की किताब नहीं है। रोजाना हर एक आदमी नियत करे कि हम इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे चंद अल्लाह के पाक कलाम के सफहात को हम रोजाना पढ़ेंगे और अल्लाह के कलाम को समझेंगे, फिर समझ के अपनी अमली जिंदगी के अंदर अपनाएंगे। हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाही अलैह मशहूर अल्लाह वाले गुजरे हैं। पहले जमाने की माओ के अंदर भी वो जुस्तजू थी, वो तमन्नाएं थी, वो पहले जमाने की माएँ अपने औलाद की उसी अंदाज से तरबियतें क्या करती थी। बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का इंतकाल हुआ, माँ बेवा थी, घरों में काम काज करके अपने बच्चे का पेट पाला करती, माँ बड़ी तड़प पर, माँ को बड़ी तड़प थी कि बच्चा यतीम है, अब गली के अंदर गली कोचों में घूमेगा फिरेगा और गली कोचों में आवारा दोस्ती और आवारा सोहबतें मिल जाएंगी तो खुदा ना खास्ता मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। लोगों के पास मालूम करती फिर रही थी कि मेरे बच्चे को किसी अल्लाह वाले के हवाले करना है, किसी मदरसे के हवाले करना है ताकि वो अल्लाह के कलाम को सीखे और अल्लाह का कलाम को सीख के अपने अमली जिंदगी के अंदर अपना ले ताकि उसकी दीन दुनिया दोनों चमक जाए। वो दर बदर ठोकरें खाती गई, फिर किसी अल्लाह वाले का पता मिला। वो माँ बेवा होने के बावजूद अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाने के बजाय उसकी दिल की तमन्ना ये थी कि ये अल्लाह के कलाम को सीख जाए, उस्ताद के हवाले अपने बच्चे को किया और हवाले करके माँ कह रही है कि देखो मेरे बच्चे के उस्ताद, मेरी ज्यादा कोई तमन्ना नहीं है, मैं यतीम, मेरा बच्चा यतीम है, मैं बेवा हूँ, इसके बावजूद मेरी दिली तमन्ना ये है कि मेरा बच्चा दीनी एतबार से हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, क़यामत तक रहने वाली इंसानियत इस बच्चे को याद रखे, मैं अपने बच्चे को आपके हवाले कर रही हूँ, बस ये एक तमन्ना है कि मेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनने के बाद मेरे हवाले करना। माँ यतीम है, यतीम है, वो माँ अपनी ममता की मोहब्बत के अंदर वो अपने बच्चे को दुनिया दुनिया के पीछे नहीं लगाई, उस्ताद के हवाले कर दी। उस्ताद माँ की तड़प को देखे और बच्चे को हिस्से कलामुल्ला सिखाना शुरू की और अल्लाह के कलाम को सीखती गई यहाँ तक कि वो बच्चे के दिल के अंदर माँ की याद आई। उस्ताद के सामने गया बच्चा उस्ताद के सामने जाके कहने लगा कि उस्ताद मुकर्रम, मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही है। आज मासूम बच्चे मदरसों के हवाले कर दिए होते हैं, 10-10 साल 12-12 साल वो माँ बाप से जुदा होके अपने घर के खानों को, अपने घर के आराम को छोड़ के अल्लाह का कलाम सीखते हैं। ये मदारिस इस्लामिया वो है जो दीन के किले हैं, दीन की हिफाजत वहाँ होती है। बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने जब उसको माँ की वो नसीहत वो वसीयत याद थी, बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे से कहा कि देखो तुम एक काम ये करो कि आज के एक दिन के अंदर बहुत ज्यादा सबक उस बच्चे को दे दिया ताकि बच्चा वो सबक याद ना करे और घर को जाने की जिद ना करे। बच्चा तन्हाई में गया, सफात को देखा, इतने ज्यादा सफात एक दिन में याद करना नामुमकिन है। वो बच्चा उठा, दो रकात नमाज पढ़ा, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आप हर चीज के ऊपर कादिर हैं, आप इस चीज पे भी कादिर हैं कि इतने सफात को मुझे एक दिन में याद करने पे कुदरत दे दे। अल्लाह ने उसकी दुआ को सुन लिया, बच्चा एक दिन में सारे सफात को याद कर लिया, उस्ताद को सुनाया, उस्ताद समझ गए कि इसके से ऊपर अल्लाह की रहमत अल्लाह की मदद शामिल हाल है।
बच्चे को छुट्टी दे दी, बच्चा माँ के पास गया, माँ के पास जाके दरवाजे को दस्तक दे दी, दस्तक दी तो अंदर से माँ की, माँ ने पूछा कौन है, बाहर से आवाज बच्चे ने दी कि मैं बायजीद बुस्तामी हूँ। माँ ने अंदर से कहा कि मैं किसी बायजीद को नहीं जानती, जब तक तुम हाफिज कुरान आलिम दीन न बन जाओ उस वक्त तक मेरे घर के अंदर तुम नहीं आना। बच्चा वापस उस्ताद के पास गया, उस्ताद कन गया, उस्ताद को सारा मामला सुना दिया और उस्ताद से सारा मामला सुना के बच्चा बिलक बिलक के रोने लगा तो उस्ताद ने कहा कि क्या तुम अपने माँ के फैसले से राजी हो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ मैं अपने माँ के फैसले से राजी हूँ। फिर हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, माँ घर के अंदर माँ की वापस आलिम दीन बन के जब माँ के चौखट पर पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी, माँ ने पूछा कौन है, बायजीद बुस्तामी ने कहा मैं बायजीद बुस्तामी हूँ। माँ ने मोहब्बत से दरवाजे को खोला, सीने से चिमटाया और उसकी पोशानी पेशानी को बोसा दिया और बेटे से कहने लगी मैं रोजाना दुआ करती, नमाज पढ़ती, अल्लाह से फरियाद करती कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत नहीं देना जब तक मेरा बेटा हाफिज कुरान आलिम दीन ना बन जाए। तो उस जमाने के अंदर माओं के ये जज्बे थे कि बच्चे की जिंदगी के अंदर अल्लाह के पाक कलाम की मोहब्बत आए, अल्लाह के पाक कलाम का शौक आए और उसकी जिंदगी के अंदर खशियत इलाही पैदा हो। आज हमारे दिलों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर अल्लाह हमको माफ फरमाए, वो अल्लाह के कलाम को लेके हमारी जिंदगियों के अंदर वो शौक नहीं है। हजरत बिशर इब्न हाफी रहमतुल्लाहि अलैह मशहूर अल्लाह वाले गुजरे हैं। इनका नाम हाफी रखा इसलिए रखा गया कि वो नंगे पांव फिरा करते थे, उनके ऊपर शराब नोशी के अंदर मुब्तला रहते। एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे, अल्लाह के पाक कलाम के एक सफ़े को देखा, मिट्टी के अंदर वो सफ़ा ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, कुरान पाक का सफ़ा था। बिशर इब्न हाफी ने फौरन गुसल किया, उस सफ़े को उठाया और उसको साफ़ करके उसको इत्र लगाया और इज्जत के साथ एक ऊंची जगह के ऊपर रखा। अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनको विलायत के आला मकाम के ऊपर पहुँचाया। तो ये कलामुल्लाह, जितना हम इससे ताल्लुक़ जोड़ेंगे, जितना कलामुल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत होगा, अल्लाह की रहमतें जिंदगी के अंदर आएगी, खैर बरकतें आएंगी। इसके लिए मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों, जरूर हम दुनिया के अंदर खूब से खूब कमाएं, खूब से खूब ताजिर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन जरूर अल्लाह के कलाम को सीखें। बूढ़े हो गए, जवान हो, अधेड़ उम्र को पहुंच गए, अभी अल्लाह का कलाम पढ़ने नहीं आता, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं। हम जरूर किसी आलिम दीन को, किसी हाफिज कुरान को पकड़े और अल्लाह के कलाम को सीखे, यही वो चीज़ है जो हमारी दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इंसान मरता है तो इनके साथ, इंसान के साथ तीन चीज़ें होती हैं, माल इंसान की मौत के साथ मिल्कियत ख़त्म हो जाएगी, दौलत के ऊपर से हक ख़त्म हो जाएगा, जितने वरसा होंगे वो कब्र तक साथ देंगे, कब्र के गड्ढे में आमाल साथ देंगे। आमाल के लिए कुरान पाक सबसे अहम चीज़ है, उस अल्लाह के पाक कलाम को हम जरूर सीखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।